हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो दलबदल भी कर रहे हैं, तो कुछ पार्टियां कुछ लोगों के टिकट भी काट रही हैं। देवरिया की रुद्रपुर सीट की अगर बात करें तो ये बेहद चर्चा में आ गई है, क्योंकि यहाँ से प्रदीप यादव को पहले सपा ने टिकट दिया, लेकिन उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया क्योंकि जाति समीकरण उतने फिट नहीं बैठ रहे थे। बाद में सपा ने यहाँ से रामभुवन निषाद को टिकट दिया है और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रदीप यादव जो है वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पब्लिक से जानेंगे इनसे कि ये जो समीकरण बदल रहे हैं क्यों बदल रहे हैं, पार्टी ने जो टिकट था क्यों बदला है। रुद्रपुर की जनता से बात करेंगे। सर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पहले प्रदीप यादव को टिकट दिया, सपा ने टिकट दिया यहाँ से, उसका टिकट काट दिया उनका, अब रामभुवन निषाद को टिकट दिया है, तो ये क्यों टिकट काटा जा रहा है, उनका क्यों कट गया? आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा कहीं चुनाव में? नहीं, चुनाव में तो इसका असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। प्रदीप यादव यदि अकेले उसको पार्टी से टिकट मिलता तो वो लड़ाई में रहता, लेकिन टिकट काट करके पार्टी को दो पार्टों में बांट दिया गया। अब वो सपा जो है यहाँ से दो खेमे में बट गई है, दो खेमे में बट गई है यहाँ तो, क्योंकि प्रदीप यादव को पहले टिकट दिया गया, बताते हैं जमीनी नेता है यहाँ के। हाँ हाँ, जमीनी नेता थे और उनको यहाँ सपोर्ट भी मिल रहा था, लेकिन पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ हिसाब किताब बन पाएगा उनका, या समाजवादी पार्टी के जो नए प्रत्याशी हैं उनका कुछ फायदा होगा? नहीं, उससे तो ये 20 रहेंगे। अच्छा, उससे 20 रहेंगे, उससे तो 20 रहेंगे। क्यों भाई साहब, जैसा कि बता रहे हैं कि उनसे 20 रहेंगे, तो नुकसान सपा को इससे ज़्यादा होगा या प्रदीप राय को ज़्यादा, प्रदीप यादव को ज़्यादा होगा? पार्टी का नुकसान होगा, हाँ उनका नुकसान होगा। क्यों, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, इससे नुकसान होगा भाई, उन्होंने विश्वास करके टिकट दिया, फिर टिकट काट दिया, उनके साथ धोखा किया प्रदीप यादव के साथ, इसलिए नुकसान तो पार्टी का होना ही होना है। तो फ़ायदा किसको मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा या बसपा को मिलेगा या प्रदीप यादव को मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा, हाँ बीजेपी को मिलेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, बसपा भी तो इधर मैदान में? नहीं, मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी व्यवस्था में है और आखिर जो है कि अपने नारा अपने व्यवस्था के साथ वो चुनाव लड़ रही है, तो जो भी होगा वो बीजेपी। प्रदीप राय को उसका फायदा नहीं, प्रदीप यादव को उसका फायदा नहीं, उसका फायदा प्रदीप यादव कहाँ मिलेगा, कहाँ जीत के मुकाम तक कहाँ पहुँच रहे हैं वो, 50,000 वोट का उम्मीदवार जीतेगा चुनाव। ये पब्लिक है, सब जानती है, जो जाएगा वही चुनाव में जीत पाएगा, 50,000 से नीचे वाले की तो कोई संभावना नहीं। वैसे आप बताइए कि सपा ने आखिर ऐसा क्या सोचा, क्या वोट पॉलिटिक्स, जात पॉलिटिक्स कर रही है वो, क्योंकि जो निषाद कर रही है जात पॉलिटिक्स, एक निषाद को उन्होंने टिकट दिया है, अब पहले लिख रहा था कि यादव को देंगे खाली, तो यादव यादव जो था वो जमीनी कार्यकर्ता है, छात्र जीवन से राजनीति कर रहा है वो, डिग्री कॉलेज यहाँ रामजी सहाय पीजी कॉलेज है, उसका अध्यक्ष भी हुआ था, वो शुरू से ही राजनीति का उसको चस्का था। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ये मतलब जनता ये मान रही है। हाँ, इसका फायदा किसी तीसरे बंदे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, क्यों बसपा को नहीं मिल सकता, कांग्रेस को नहीं? ये तो प्रदीप यादव को क्यों, प्रदीप यादव को क्यों नहीं मिलेगा, जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रदीप यादव इतना अच्छा नेता है तो उनको क्यों नहीं मिलेगा? नेता है तो जैसे पार्टी से नहीं ना है, पार्टी से रहते तो लोग उनके साथ और रहते, निर्दलीय लेके नहीं जीत पाएंगे, निर्दल यहाँ से कोई नहीं जीत पाता है, यहाँ बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि प्रदीप यादव का टिकट भले ही काट दिया हो तो उसका नुकसान सपा को ही होगा और प्रदीप यादव को इसका फायदा नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी इसका फायदा उठा लेगी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बाबा, आप बताइए कि बीजेपी को कैसे फायदा मिल जाएगा, ये बताइए इसका। बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा है, करीब करीब टाउन से 50% वोट उसका है, टाउन का। अब जाएगा या पहले भी जाता? पहले भी जाता, अब भी जाएगा, 75,000 वोट से जीता था। हाँ, 75,000 नहीं, 77,000 वोट से जीते थे बीजेपी कैंडिडेट, 2017 में 70,000 वोट जीते थे। अब ये इसका फायदा बीजेपी को, बीजेपी को मिलेगा। कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, हाँ जी, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निषाद है, और निषाद उनको जयप्रकाश निषाद को अपना नेता मानते हैं, और लगभग ये समझ लीजिए कि लगभग निषाद तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ नहीं, निषाद तो ये भी है, रामभुवन निषाद भी हैं, लेकिन रामभुवन निषाद को निषाद वर्ग जो है वो अपना नेता नहीं मानता। अच्छा, और जो उनकी जाति का वोट है वो उन्हीं को नेता नहीं मानता ना, और ये बाहरी हैं,
इनको लगभग 40% निषादों का वोट जो है वह बीजेपी के खाते में 100% उसको पड़ना है। बड़ी बात बता रहे हैं। और 40% के बाद जो बचेगा वह राम भगवान निषाद या दो एक और हैं जो अपना बांट सकते हैं। जब कोई अन्य कैंडिडेट जब 40,000 से ऊपर जब जाएगा तभी वह अपना जीत हासिल कर सकता है। और पीछे वाले कैंडिडेट को उतना 40,000 पूरा करना पड़ेगा। कुल मिला के वोट कठुआ बनेंगे बस अब। एकदम सही है, इनको लोग चढ़ा दिए बसपा का या समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं भैया, आप बताइए, जैसे कि ये हम देख रहे हैं चर्चा चल रही है कि फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा, बीजेपी को मिल जाएगा, इसका युवा क्या सोच रहा है कि ये पॉलिटिक्स सही है कि पहले किसी को दे दो उसका नाम काट दो जातिगत आधार पर चुनाव लड़वाओ? नहीं, ये तो सही नहीं है। पर रह गया बात, युवा नेता थे प्रदीप यादव और पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। और रह गई बात, अगर उनको टिकट मिला होता तो युवा भी उनका साथ देते, लोग जनता भी साथ। अभी अब का अब युवा क्या चाह रहा है यहाँ का? अब युवा यही चाह रहे हैं कि यहाँ से मानी जैप का निषाद जी यहाँ पे विधायक बनने के लिए जोर तोर में लगे हैं, युवा नेता, युवा लड़के सब, बाकी यहाँ पे सब पार्टी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जी जी उनको अब जिताएगा? जी जी, प्रदीप राय का साथ, प्रदीप यादव का साथ नहीं देंगे? साथ जब टिकट मिला होता तो साथ दिया गया। वो तो कैंडिडेट के ऊपर बात होती है ना, जरूरी थोड़ी कि पार्टी के चुनाव पर लड़े तभी जिताएंगे आप उसको। अब सर हम ही लोग बस वोट देके नहीं ना जिता देंगे, जनता के भी साथ रहना चाहिए, कचरांचल का साथ रहना चाहिए। सही कह रहे हैं कि कैंडिडेट देख के नहीं पार्टी देख के चुनाव? कैंडिडेट देख कर ही आदमी चुनाव होता है, लेकिन जो अपना अपना अधिकार मत का वो अधिकार होता है। अब रह गया प्रदीप यादव का, तो जनता के बीच में रहे हैं, बाकी ऊपर वाला के साथ है, उनका साथ देना चाहिए। ऊपर वाला साथ देगा, आप साथ नहीं देंगे? आप नहीं नहीं भाई, ये नहीं कर रहा मैं, अपने ओर से तो मैं ओके हूँ, लेकिन आने आने लोग भी की हुए, क्योंकि जनता के बीच रहे, मैं ये सर नहीं कर रहा हूँ, उसका उनको प्रभाव मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या सिर्फ यही सोच के दिया कि निषादों का वोट है वो भी मिल जाएगा? हाँ, यादव तो है ही है उनके पास। निश्चित रूप से हाँ। और तो पाला दूसरा पड़ता जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहे? नहीं देंगे साथ, क्यों देंगे साथ? जो लोकल नेता है जिसने 200 साल से राजनीति किया है और झंडा ढोया है, उसका अगर टिकट कटेगा तो अपार कष्ट होगा कि नहीं होगा, वही बात है। हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो किसको डुबा रहे हैं इस बार, ये बताइए यहाँ की जनता। देखिए, प्रदीप यादव का जो गलत हुआ है, मान लीजिए पुराना नेता, आज के डेट में पुराने नेता का कोई महत्व तो नहीं रह गया उस पार्टी में। मान लीजिए 20 साल से जो बंदा उसमें पुराना है, कोई नया दूर से आकर के टिकट छीन ले, ये तो अन्याय हुआ है। पार्टी की भी रणनीति रही होगी ना कि देखिए यादव वोट तो उनके पास रहता ही है समाजवादी। मेरा सवाल सुनिए कि उनके पास रहता ही है समाजवादी पार्टी के पास, अगर निषादों का वोट भी अगर मिल जाएगा तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी? जी, ये बताइए, अरहर की दाल को बगैर पानी और नमक के बिना दाल नहीं बन सकता है, ठीक है? दाल के लिए नमक और पानी हल्दी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? किसी भी वोटर को एक बिरादरी से कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मायावती हो, ठीक है? सरकार जो है सबको, जो कहते हैं सबका साथ सबका भी साथ। उन्होंने बोला मैं योगी और मोदी जी को दे, हमने कहा क्यों दे रहे हैं आप, क्या मतलब उसमें खासियत देखे हैं? कहीं बाबू गुंडे ही नहीं है, हमको राशन फ्री में मिला है, इंजेक्शन मिला है, हम योगी मोदी कलमा किसी को वोट नहीं देंगे। वो उनका अपना मत हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रदीप यादव के साथ यहाँ गलत हुआ है। देखिए, सबको साथ ये नहीं होता है, निषाद इतने ज्यादा हैं, निषाद को से सरकार बन जाएगी, किसी एक बिरादरी कभी भी सरकार नहीं बन सकती है। और वो उनका सोचना ऐसा रहा ना, क्या कहते हैं, यादव वोट उनके पास है, ठीक है, मुस्लिम वोट उनके पास है, निषाद पार्टी जो निषाद जो समाज के लोग हैं वो भी उनसे मिल जाएंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी? जी, देखिए व्यापारी जो पिछली बार जीत का हार का उनका मार्जिन था वो बहुत ज्यादा था सर, उसको पाटने की कोशिश। हम आपको बता पा रहे हैं, बहुत पहले की बात है, जिस 1998 की बात बता रहा हूँ, जिस समय सर, एक मिनट समय दे दीजिए आपके माध्यम से, समय नहीं सर, एक मिनट समय मांग रहे हैं। व्यापार मंडल सर, व्यापार मंडल जो होता है बीजेपी को व्यापार मंडल चलाते थे सर, आज बीजेपी में किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों भैया जो ये बात बता रहे हैं कि एक पार्टी नहीं जीता सकती, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन वो तो बीजेपी करती है उसके बाद। हाँ, इस समय बीजेपी 20 मना रही है, बीजेपी 20 मना रही है। सरकार बीजेपी की बनेगी? सरकार बनेगी नहीं, नहीं बात की बात है, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे बीजेपी भारी पड़ रही है, तो जो उन्होंने टिकट बदल दिया उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, नुकसान उठाना पड़ेगा। कैंडिडेट देख के वोट करेगी, पार्टी देख के वोट करेगी, जात पात के आधार पर वोट करेगी यहाँ की? विकास देख के वोट करेगी। देखिए, ये इन्होंने बात सही कही कि विकास के आधार पर होना चाहिए, तो यहाँ क्या आपको लगता है विकास वगैरह कुछ हुआ है?
विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है पार्टी में, जो यहाँ के नेता हैं आम में उसने कुछ कमी की है, तो इसीलिए शायद उसका टिकट काट दिया है। नहीं नहीं, उनका नहीं कटा है, जो का नाम है कि यहाँ के आज जयप्रकाश निषाद जी हैं, उनसे लड़ाई चल रही है अखिलेश सिंह में और जयप्रकाश निषाद में। अगर सही से काम नहीं किए हैं तभी लड़ाई चल रही है, नहीं अगर सही से काम किए होते तो लड़ाई नहीं होती। हाँ, मान के चलिए अखिलेश प्रताप सिंह में और जयप्रकाश निषाद में, इन्हीं लोगों में चल रहा है, अब क्या होगा वो तो 10 तारीख को मालूम चलेगा, सबको मालूम चले जाएगा। ये पब्लिक है क्यों भैया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टिकट पहले दे दिया फिर काट दिया फिर दूसरे जाति के प्रत्याशी को दे दिया, तो ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में जरा भाई? समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, तो ये तो लोग वही लोग खिचड़ी पका रहे हैं, वही समझेंगे। जनता क्या किस तरह देख रही है? यहाँ की जनता एकदम ठीक है, यहाँ बीजेपी जो उनका ये मूव है कि पहले किसी को दे दो फिर किसी और को ले आओ फिर जात पात के आधार पर टिकट दे दो, तो भाई तो मान लीजिए तो इन लोगों का काम है ना। हाँ, समाजवादी वाले लोगों का। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में भी रोष होता है कि यार ये तो जात पात की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ रुद्रपुर की जनता खाली जोगी से, योगी मोदी, यहाँ का पूरा जनता में जनता का आक्रोश है कि योगी और मोदी आए, हमारे देश का नाम रोशन किए हैं योगी जी और मोदी जी। काम भी कराए हैं बहुत, और क्या काम भी कराए और क्या, योगी का नहीं, हर जगह योगी योगी एकदम। मान लीजिए आवास भी दिए हैं, उसके बाद महीने का 2 राशन भी दिए हैं, और उसके साथ उज्ज्वला ये गैस भी दिए हैं। हाँ, सब कुछ है इसमें। हाँ, क्या चाहिए अब, मतलब काफ़ी लॉकडाउन में पूरा मतलब जनता के साथ थे। हाँ, क्या चाहिए अब, तो आदमी उसी का साथ देगा ना। और जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अब जैसे कि ये देखने में आ रहा है कि फाइट बीजेपी और सपा की हो गई है, जो दूसरी पार्टी हैं, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या AIMIM की बात करें, वो भी तमाम चुनाव लड़ रही है, और अब तो यहाँ निर्दलीय प्रदीप यादव लड़ रहे हैं, तो इसमें बंदरबाट तो नहीं हो जाएगी? होगा, बंदरबाट तो होना ही है, इसमें कोई दो राय। देखिए, इसका कोई फायदा नहीं जाएगा इस। हाँ, दूसरा कोई इसमें देखिए, रुद्रपुर में बड़ी समस्याएं हैं, ये आप देख रहे हैं सामने, यह बस स्टेशन है, बिल्कुल हालत खराब, ये पूरे बरसात में इसमें पानी भरा रहता है, पब्लिक बाहर आकर के सड़क तो, पर तो क्या बस स्टेशन बनाया नहीं सरकार ने, यहाँ विधायक थे यहाँ? इसके लिए हमारे यो जो राज्य मंत्री जी हैं, इन्होंने कहा था कि 4 करोड़ रुपया मैंने पास करा दिया है, बस कहाँ गया वो रुपया कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, पब्लिक है सब जानती है, बता रही है कि 4 करोड़ रुपया पास कराया, कहाँ चला गया पता नहीं चला, जो स्टेशन की हालत है वो खस्ता हो रखी है। और समस्याएं सुनिए, यहाँ देवरिया मोड़ से लेकर के और बाजार तक आप चले जाइए, इतना ही आपको जाम मिलेगा कि आपकी गाड़ी भी उस रास्ते शायद निकल जाए। देखिए, सड़कें संकरी हैं तो उसमें क्या कराए, संकरी नहीं है, या गोला पर बाजार में वहाँ बस स्टेशन था और दो दो बसें उस रास्ते जाती थी, वह कब्जा किसने कर लिया? मतलब आपका कहना है कि जो स्थानीय विधायक है काम नहीं करा पाए? हाँ, हम तो ये कहें काम नहीं करा पाए विधायक, नहीं क्षेत्रीय वर्क नहीं हो पाया, तो विधायक की जिम्मेदारी थी ना कराना, क्षेत्रीय वर्क। अब हमारे कहने का मतलब है, समस्याएं तो कई तरह की होती हैं, एक समस्याएं तो व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत समस्याएं पब्लिक अपने स्तर पर दूर कर लेती है, उसकी कोई बात नहीं होती है, कुछ समस्याएं क्षेत्रीय होती हैं वो स्थानीय प्रशासन के स्तर पर दूर होती हैं। तो विधायक का यही तो काम है ना, प्रतिनिधि क्यों चुना जाता है उसका? आप पूछ रहे, सुन लीजिए। हाँ। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो स्टेट लेवल की होती हैं। हाँ। और कुछ समस्याएं केंद्र लेवल की होती हैं। इस समय जो सबसे मुख्य समस्या हुई है वो कृषकों के साथ हो रही है। हम उतने उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मुद्दा भटक जाएगा फिर, वो सही बात कह रहे हैं कि विकास जरा कृषकों की जो समस्याएं हैं, इस समय हम इतने महंगे खाद बीज डाल करके खेतों में अनाज पैदा कर रहे हैं, छुट्टा जानवर उसको चुरा चर करके बर्बाद कर दे रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए, ये एक समस्या किसानों की बड़ी समस्या है। हाँ। कि हम लोग करें तो क्या, हम बिल्कुल बिल्कुल और लोगों से बात करते हैं जो ये बता रहे हैं कि सर स्थानीय समस्याएं भी यहाँ पर हैं और जो कृषक है उनकी समस्याएं भी हैं, तो समस्याएं काफ़ी हैं लेकिन निदान नहीं है? नहीं, कोई निदान नहीं है। तो फिर वोट किसको देंगे बताइए, निदान कहीं सरकार नहीं कर पाएगी? भाई, वोट तो अपना पर्सनल मामला है वो, ये तो गलत बात है, तो ये तो फिर वो है ना, जात पात के नाम पे वोट, जात पात के तो ये क्या विकास हुआ नहीं है? एकदम हुआ है, 4 करोड़ रुपए बता रहे थे, आप सुनिए मेरी बात, जैसे बाबूजी बता रहे हैं कि 4 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ, कहाँ गया? अरे ये विकास हुआ है लेकिन कौन, मतलब वो ध्यान मंत्री जी नहीं दिए हैं। हाँ, बस यही बात है, बस मामला मालूम नहीं है, बस स्टेशन के आगे जो दुकानदार हैं वो स्टे लिए हुए हैं, जिसके वजह से वह काम नहीं हो पा रहा है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात को कि
कुछ समस्या भी रही होंगी, लेकिन जो पब्लिक है सब जानती है। हमने बात की रुद्रपुर की जनता से कि जो टिकट काटा गया था उसका फ़ायदा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जनता ने कहीं ना कहीं बताया है कि उसका फ़ायदा तो उनको नहीं मिलेगा। हाँ, बंदरबाट में कोई दूसरा यहाँ पर अपनी रोटी चुरा कर ले जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति इस वक्त चरम पर है। टिकटें बांटी जा रही हैं, नाम काटे जा रहे हैं, जात पात के आधार पर टिकटें बांटी जा रही हैं, तो उसका फ़ायदा पार्टियों को मिलता नहीं मिलता, वो जब वोटिंग पड़ेगी और रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जिंदर चौहान, इंडिया टीवी, रुद्रपुर, देवरिया।